फ्रेंड्स वेलकम टू यू कैन स्पीक किट एंड वॉच अवर 5 डेज एंड बाय अवर 60 डेज अलोंग विद 4 बुक्स के सीरीज में आपका स्वागत है। यह हमारे पांचवें दिन का शेड्यूल है और इस शेड्यूल के हमने 2 पार्ट्स बनाए हैं और इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ टू फ्रेम WH क्वेश्चंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम WH क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करेंगे, बिकॉज नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश। इफ यू डोंट नो हाउ टू फ्रेम WH क्वेश्चंस एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू आंसर WH क्वेश्चंस देन यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो इसलिए यह वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन यह वीडियो आपको अंत तक देखना है और हमारी मेथड आपको ऑब्जर्व करनी है। फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बोलता हूं, आपके लिए हमने एक बैच क्रिएट की है और उस बैच को हम 5 दिन तक लाइव क्लासरूम के जरिए एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग के साथ पढ़ाने वाले हैं। हमने पहले दिन बच्चों को स्ट्रक्चर मेथड क्या है, ट्रांसलेशन मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। देन आफ्टर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइप फर्स्ट पढ़ाया था, लेकिन वह टाइप हमने अलग तरीकों के साथ आपको पढ़ाया था। पहले टाइप में हमने हाउ टू एक्सटेंड द सेंटेंसेस, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कैसे बोलना है, नॉन स्टॉप स्पीकिंग कैसे करनी है। देन आफ्टर हमारे स्टूडेंट्स को हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप पढ़ाया था। उस सेकंड टाइप में हमने स्टूडेंट्स को डू डज डिड का रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, मॉडल्स क्या है, इन्फिनिटिव्स क्या है, एक्टिविटीज कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ाया था। देन आफ्टर हमने हमारे स्टूडेंट्स को वर्बल क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं, उनके आंसर्स कैसे दिए जाते हैं, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की कैसे प्रैक्टिस की जाती है, एक्टिविटीज कैसे करते हैं, कौन से दिन कहां पे कितने सेंटेंसेस बनाने हैं, कॉम्पोजिशंस कैसे बनाने हैं, ऐसे कई सारे एक्टिविटीज हमने इससे पहले दी थी। कृपया आपको हमारा हर कोई वीडियो डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस के साथ ही देखना है और अगर आपको हमारा 5 दिन तक का शेड्यूल पसंद आता है तो आप 60 डेज का शेड्यूल अलॉन्ग विद 4 बुक्स परचेस कर सकते हो। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, पेन ड्राइव वर्जन अलॉन्ग विद 4 बुक्स, देन आफ्टर हमारी ऐप की सहायता से आप वह शेड्यूल परचेस कर सकते हो अलॉन्ग विद 4 बुक्स। लेकिन आज हमारे स्टूडेंट्स को हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको यह अंत तक देखना है। WH क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं, उनकी एक्टिविटीज कैसे की जाती है, नॉन स्टॉप WH क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको यह शेड्यूल अंत तक देखना है और इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी देखना है, क्योंकि इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर सिर्फ डायरेक्ट मेथड का यूज करने वाले हैं, लेकिन यह टेक्निक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यह शेड्यूल अंत तक देखना है। फ्रेंड्स हमारे हर कोई वीडियो सीरीज की लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज आपको लिंक मिल सकती है। और अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो प्लीज 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 इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू वॉच मोर एंड मोर वीडियोस एंड डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। विश यू ऑल द बेस्ट। हमारा यह ऐप शेड्यूल परचेसिंग का डेमो वीडियो जरूर देखें। इस ऐप के स्टोर के ऑप्शन में आपको 67 वीडियोस मिलेंगे। यह सब डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज शेड्यूल है। देयर आर टोटल 67 चैप्टर्स। अगर आप किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे तो आपको वह कंटेंट लॉक्ड नजर आएगा, लेकिन बाय के ऑप्शन में जाके आप कार्ड, नेट बैंकिंग या वैलेट के जरिए हमारा शेड्यूल परचेस कर सकते हो। उससे एक साल तक बार बार देख सकते हो और हमारा शेड्यूल परचेस करने के बाद 4 प्रिंटेड बुक्स हम आपको कुरियर तथा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेंगे। और गलती से यह ऐप आपसे डिलीट होता है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और मेल आईडी से आप फिर से हमारे ऐप में लॉगिन कर सकते हो। हमारे ऐप के स्टडी मटेरियल में हम इन फ्यूचर आपको नए नए टेक्निक्स दे सकते हैं। अगर आप हमारा 60 डेज का शेड्यूल परचेस करते हो तो इन फ्यूचर हम आपकी बैच भी क्रिएट कर सकते हैं तथा नए नए अपडेट्स भी आपको मिल सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 5th टाइप ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। यस्टरडे वी हैव लर्नड 4th टाइप ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, नेगेटिव वर्बल क्वेश्चन। So what is WH question and what is WH question of simple present tense? Before that, you must know how to frame the questions, because I have already told you, no questions, no English. If you don't know how to frame the questions, then you cannot speak English. अंग्रेजी में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, उनके answers कैसे दिए जाते हैं, यह आपको पता ही होना चाहिए, तभी आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो और यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन कोई भी टेंस हाँ नया सवाल से फॉर्म होता है और हमें यह कोई पढ़ाता नहीं है। वी आर लर्निंग स्टेप बाय स्टेप, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं और हम एक्टिविटीज देख रहे हैं, हम स्ट्रक्चर मेथड यूज कर रहे हैं, हम ट्रांसलेशन मेथड यूज कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको किसी भी टेंस का क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है, इसका मैं टेक्निक आपको आज देने वाला हूँ। लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाट आर क्वेश्चंस और अंग्रेजी में क्वेश्चंस के कितने टाइप्स होते हैं। अंग्रेजी में क्वेश्चंस के कितने टाइप्स होते हैं, 2।
एक वर्बल क्वेश्चन एंड डब्लिश क्वेश्चन, और एक टाइप बनता है वो एड अ क्वेश्चन टैग का होता है, मैं आपको वो बाद में पढ़ाने वाला हूँ। बिफोर दैट हमने वर्बल क्वेश्चन क्या होता है यह हमने पढ़ा है, जैसे डू यू प्ले सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह वर्बल क्वेश्चन है, डज ही प्ले, क्योंकि स्टार्टिंग में डू और डज आया है, देन आफ्टर यह सब्जेक्ट से, देन आफ्टर वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म है। बट व्हाट इज डब्लिश क्वेश्चन, सर ये डब्लिश क्वेश्चन क्या है? लेकिन उससे पहले क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, कैसे होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। क्वेश्चन की रचना कैसे होती है, क्या आपको पता है डब्लिश क्वेश्चन की रचना कैसे होती है? यहाँ पे देखो ये वर्बल क्वेश्चन की रचना है, लेकिन डब्लिश वर्ड्स मैंने आपको कल सिखाए, व्हाट व्हेन व्हाई वेयर हाउ हाउ मेनी हाउ फार हाउ लॉन्ग, यह डब्लिश क्वेश्चन है और उनके मीनिंग्स भी हमने पढ़े हैं। और यह क्वेश्चन की रचना कैसे होती है, मैं आपको यहां पे एक सेंटेंस देता हूं, व्हाट यू आर प्लेइंग, व्हाट यू आर प्लेइंग, इज दिस अ क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है क्या, इज दिस अ क्वेश्चन, यह क्वेश्चन क्यों है, क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है इसलिए यह क्वेश्चन है? इस लड़की का ऐसा कहना है, सर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है इसलिए यह क्वेश्चन है। और आंसर स्टार्टिंग में क्या आया है, व्हाट आया है, और लास्ट में क्या आया है, क्वेश्चन मार्क है। अगर यह लड़की बोलती है लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है इसलिए वो क्वेश्चन है, मैं यह चेंज करता हूं, व्हाट आर यू प्लेइंग, नाउ टेल मी इज दिस अ क्वेश्चन, नाउ टेल मी इज दिस अ क्वेश्चन, हाँ है, यह भी क्वेश्चन है, ऊपर का क्वेश्चन है, हाँ नीचे का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन है, हाँ सिट डाउन, क्यों है ऐसा, लास्ट में क्या आया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है इसलिए वो क्या है, क्वेश्चन है। आपका नाम क्या है, सही अभंग, वेरी गुड। अगर मैं बोलता हूं यू आ सही और क्वेश्चन मार्क, नाउ इज दिस अ क्वेश्चन, क्यों, लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क है ना, मेल हो फीमेल हो पुरुष हो या स्त्री हो इसके बारे में मुझे क्या है, क्वेश्चन है, तो इसलिए क्वेश्चन है ना ये, सही में आप लड़के हो या लड़की हो या मुझे पता करना है इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क दे सकता हूँ क्या, नहीं दे सकता हूँ, ऐसे कैसे भी क्वेश्चन नहीं फ्रेम हो सकता है, इसके पीछे एक रूल है। तो इन तीनों सेंटेंसेस में एक ही क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कौन सा है, कैन यू टेल मी, व्हाट यू आर प्लेइंग, व्हाट यू आर प्लेइंग, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, यस व्हाट आर यू प्लेइंग, दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाई, व्हाई इज दिस अ क्वेश्चन, Because what के बाद आर आया है इसलिए उस लड़की का ऐसा कहना है, वेरी गुड, गुड आंसर, what के बाद आर आया है इसलिए वो क्वेश्चन है, इट मीन्स what, डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है इसलिए वो क्वेश्चन है, नहीं तो वो क्वेश्चन नहीं है, और यही क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन नहीं है। तो एक बेसिक थिंग मेरे समझ में आ गई, हाँ हाँ सर पता चला, WH के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब रहता है तो भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इसे कोई अपवाद है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन एक जनरल रूल मुझे पता चल गया, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब है इसलिए वो क्वेश्चन है, नहीं तो वो क्वेश्चन नहीं है। नाउ टेल मी ऊपर का क्वेश्चन है, नहीं है अभी, अभी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि व्हाट के बाद क्या है, यू है, और यू यह हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यह पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, और यहां पे आर क्या हेल्पिंग वर्ब है, आर यह हेल्पिंग वर्ब है, है यह हेल्पिंग वर्ब है, व्हाट के बाद क्या है, आर है, मींस डब्ल्यूएच के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, देन आफ्टर यू क्या है, सब्जेक्ट है, और यह प्लेइंग है, यह प्लेइंग क्यों आया, यहां पे आर है इसलिए प्लेइंग आया, आर से इस क्वेश्चन का आप टेंस रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इट मींस WH के बाद हेल्पिंग वर्ब है, देन आफ्टर सब्जेक्ट है, वर्ब का मॉडिफिकेशन हो सकता है हेल्पिंग वर्ब के अनुसार। तो जनरल रूल ऐसा है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब है, देन सब्जेक्ट है, देन वर्ब रहेगा, उसका मॉडिफिकेशन रहेगा, यह हम बाद में देखेंगे। नाउ टेल मी इज दिस अ क्वेश्चन, वेयर इज राम, इज दिस अ क्वेश्चन, यस दिस इज अ क्वेश्चन, क्यों, वेयर के बाद क्या है, इज ए, मैं ऐसा फॉर्मेशन नहीं कर सकता हूं, वेयर राम इज, यह क्वेश्चन नहीं हो सकता है, वाक्य हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, लेकिन यह क्वेश्चन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वेयर के बाद क्या है, राम है, और राम यह हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए वह क्वेश्चन नहीं हो सकता है। लेकिन और एक मैं सेंटेंस देता हूं आपको, अगर मैं बोलता हूं विच
pen do you use? Which pen do you use? Is this a question? ये question है क्या? है? Very good. अगर आप बोलते हो सर WH के बाद helping verb चाहिए तो यह WH के बाद यहाँ पे तो pen आ गया. Is this a question? ये question हो सकता है. अभी यह question नहीं है. यह क्वेश्चन नहीं है लेकिन यह भी क्वेश्चन है. ऐसा क्यों? अंग्रेजी में ऐसे WH वर्ड्स है जैसे विच, हुज, हाउ मेनी, उनके आगे आपको नाम लेना ही पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ आप कौन सा मोबाइल यूज करती हो तो मैं आपको ऐसा बोलूंगा विच मोबाइल डू यू यूज. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा विच डू यू यूज मोबाइल, कौन सा आप करती हो मोबाइल यूज, ऐसा बोलूंगा नहीं. आप कौन सा साबुन लगाते हो, मैंने क्या कहा कौन सा साबुन कौन सा सोप. अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कौन सा आप लगाते हो साबुन, चलेगा नहीं. विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, विच के बाद क्या है लैंग्वेज है. तो यह नाउन WH वर्ड को चिपक के आया है, लेना ही पड़ता है WH के बाद आपको वह नाउन लेना ही पड़ता है. विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, विच क्लास डू यू अटेंड, विच क्लास डू यू गो, विच पेन डू यू यूज, विच लैंग्वेज डज योर फादर स्पीक, इन विच सिटी डू यू लिव, इन विच सिटी, विच के बाद आपको नाम लेना ही पड़ता है. इसी प्रकार हुज कार डू यू ड्राइव, इज दिस अ क्वेश्चन, इज दिस अ क्वेश्चन, यस दिस इज अ क्वेश्चन. WH के बाद क्या है कार, आपको यह नाम लेना ही पड़ेगा. देन आफ्टर क्या है डू है, और डू क्या है हेल्पिंग वर्ब है. यह जनरल रूल है. तो जनरल रूल क्या है, WH के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब रहते हैं तो वह WH क्वेश्चन होता है. लेकिन कुछ WH वर्ड्स ऐसे होते हैं उनके आगे आपको नाम लेना पड़ता है, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आता है. और एक मैं इंपॉर्टेंट थिंग आपको बताता हूं, इस हेल्पिंग वर्ब के अनुसार आप उस क्वेश्चन का टेंस रिकॉग्नाइज कर सकते हो. जैसे यहां पे आर है इसीलिए यह क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस वाला है. यहाँ पे डू है यह प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है. अगर वॉज रहता तो पास्ट टेंस वाला वह क्वेश्चन बन जाता. इट मीन्स क्वेश्चन को भी टेंस होता है, इसलिए हमें टेंसेस पढ़ते समय हमें क्वेश्चंस भी पढ़ने पड़ते हैं तथा उनका प्रयास करना पड़ता है. और भी इसे अपवाद है मैंने आपको बुक्स में दिए है, यह मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूँ. लेकिन यह रूल मैंने आपको क्यों पढ़ाया, यह रूल बड़ा है, हम डीप में सीखने वाले है. लेकिन अगर मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस का फिफ्थ टाइप पढ़ना है, मीन्स WH क्वेश्चन पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो मैं कैसे पढ़ूंगा. वेरी सिंपल, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर दिया था डू आई प्ले, इट मीन्स क्या मैं खेलता हूँ, मुझे खेलने की आदत है क्या. डज ही प्ले, क्या वह लड़का खेलता है क्या, उसे खेलने की आदत है क्या. यही स्ट्रक्चर मैं उठा के यहाँ पे रखूंगा, सिर्फ डी और डी कैपिटल नहीं लिखूंगा. डू और डज क्या है हेल्पिंग वर्ब से, डू और डज क्या है हेल्पिंग वर्ब से. अगर मैं यहाँ पे एक WH वर्ड लेता हूँ, मैंने आपके पास जो बुक्स दिए है उन बुक्स में मैंने WH के सब मीनिंग्स दिए हैं, कल हमने पढ़े भी और आपको पता है व्हाट मींस क्या, व्हेन मींस कब, व्हाई मींस क्यों, ये हमने पढ़े हैं. लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक WH वर्ड लेता हूँ और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में फ्रेम करता हूँ तो यह कंस्ट्रक्शन क्या होता है. इस स्ट्रक्चर को इस टाइप से पहले मैं WH की टेल लगाता हूँ, मींस मैं क्या करता हूँ, What do I play? Now tell me, what do I play? Is this a question? Now tell me, is this a question? Yes, this is a question. क्यों? Sir, आपने तो कहा है WH के बाद अगर helping verb से then after subject है, then after verb का first form है, तब वो question हो सकता है. इसकी रचना देखो, इसकी रचना what are you playing? यह question है, मैंने अभी अभी आपको बताया. This is a question. और यहाँ पे WH के बाद क्या है? Do है. What do I play? Now tell me, क्या यह question हो सकता है? What I play? क्या यह question हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि WH के बाद helping verb नहीं है. और rule क्या कहता है? WH के बाद हमें helping verb दे दो. इसे अपवाद है, जैसे who के question का अपवाद है, who play, who is going. मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूँ. लेकिन यह छोटा rule है और important rule है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. मैं स्ट्रक्चर मेथड की सहायता से सीख रहा हूँ. सर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है आप क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन यह समझ में आया. इस टाइप को आपने सिर्फ WH लगाया तो आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का फिफ्थ टाइप फॉर्म किया. व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूँ,
व्हाट का मीनिंग क्या, व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूं, और यहां पे डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूं, क्या मैं खेलता हूं, इसका आंसर आप हां से या ना से दे सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको यह WH क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट डू आई प्ले, इट मींस वर्तमान काल में मुझे क्या खेलने की आदत है, ए व्हाट डू आई टीच, व्हाट आई टीच यह क्वेश्चन नहीं है, व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूं, स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, व्हाट डू वी प्ले, हम क्या खेलते हैं, What do you play? तू क्या खेलता है? What do you play? तुम क्या खेलते हो? What do they play? वे क्या खेलते हैं? What does he play? He plays नहीं, does है, इसलिए verb का first ही form है। What does she play? वो लड़की क्या खेलती है? मैं आपको पूछता हूँ, ए, वो लड़की क्या खेलती है? What does it play? वो कुत्ता क्या खेलता है? What does Ram play? राम क्या खेलता है? What does Shyam play? श्याम क्या खेलता है? What do you think? आप क्या सोचते हो? वर्तमान काल में आपको क्या सोचने की आदत है? सिंपल है। तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है, और यह कौन सा क्वेश्चन है? WH क्वेश्चन है। क्यों WH है? स्टार्टिंग WH से हुई है। नहीं नहीं सर, स्टार्टिंग तो WH से हुई है, लेकिन उसके बाद क्या है? डू और डज, और जो प्लूरल सब्जेक्ट से उनसे पहले हम क्या लेते हैं? डू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर उनसे पहले हम क्या लेते हैं? डज। क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अगर मैं WH वर्ड चेंज करूंगा, व्हेन, व्हेन का मतलब कब, मैं कब खेलता हूं, When do I play? हम कब खेलते हैं? When do we play? तू कब खेलता है? When do you play? तुम कब खेलते हो? When do you play? वे कब खेलते हैं? When do they play? वो लड़का कब खेलता है? When does he play? वो लड़की कब खेलती है? When does she play? वो कुत्ता कब खेलता है? When does it play? राम कब खेलता है? शाम कब खेलता है? आप कब उठते हो? When do you get up? वो लड़की कब उठती है? When does she get up? आप स्कूल में कब जाते हो? When do you go to school? When you go to school? यह क्वेश्चन नहीं हो सकता है। When do you go to school? तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH क्वेश्चन है। When do you brush? आप ब्रश कब करती हो? When do you study? आप पढ़ाई कब करते हो? When does he study? वो लड़का पढ़ाई कब करता है? वेरी सिंपल है, स्ट्रक्चर हमें हेल्प कर रहा है। WH वर्ड मैंने चेंज किया, where do I play? मैं कहां पे खेलता हूं? वर्तमान काल में मुझे कहां पे खेलने की आदत है। Where do we play? हम कहाँ पे खेलते हैं? Where do you play? तू कहाँ पे खेलती है? Where do you play? तुम कहाँ पे खेलते हो? Where do they play? वे कहाँ पे खेलते हैं? Where does he play? वो लड़का कहाँ पे खेलता है? Where does she play? वो लड़की कहाँ पे खेलती है? Where does it play? वो कुत्ता कहाँ पे खेलता है? उस कुत्ते को कहाँ पे खेलने की आदत है? वर्तमान काल में मुझे पता नहीं है वो खेलता है क्या, यह क्वेश्चन अलग है, और वो कहाँ पे खेलता है। तो WH के अनुसार आपको आंसर देना पड़ेगा। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आंसर्स कैसे देने हैं, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब आपको अंग्रेजी बोलनी होती है तो नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश, लेकिन उनके आंसर्स भी आपको मैं बताने वाला हूँ, और हम क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं यह पढ़ रहे हैं। अगर मैं WH वर्ड चेंज करूंगा, विथ होम, इट मीन्स किसके साथ, मैं किसके साथ खेलता हूँ, विथ होम डू आई प्ले, विथ होम मीन्स किसके साथ, हम किसके साथ खेलते हैं, विथ होम डू वी प्ले, तू किसके साथ खेलती है, विथ होम डू यू प्ले, तुम किसके साथ खेलते हो, विथ होम डू यू प्ले, वे किसके साथ खेलते हैं, वेरी गुड, वो लड़का किसके साथ खेलता है, वेरी गुड, वो लड़की किसके साथ खेलती है, वो कुत्ता किसके साथ खेलता है, राम किसके साथ खेलता है, श्याम किसके साथ खेलता है, आप किसके साथ नहाते हो, With whom do you take bath? वह किसके साथ नहाता है? With whom does he take bath? आप किसके साथ सोती हो? With whom do you sleep? आप किसके साथ पढ़ाई करते हो? With whom do you study? आप किसके साथ पढ़ते हो? With whom do you read? With whom do you read? आप किसके साथ क्लास में आती हो? With whom do you come to class? Very simple. Why means क्यों? Why means क्यों? Hey, मैं क्यों खेलता हूं? Why do I play? हम क्यों खेलते हैं? Why do we play? तू क्यों खेलता है? Why do you play? वे क्यों खेलते हैं? Why do they play? वो लड़का क्यों खेलता है? वो लड़की क्यों खेलती है? वो कुत्ता क्यों खेलता है? राम क्यों खेलता है? आप क्यों हंसती हो? Why do you laugh? Hey, आप क्यों सोचती हो? Why do you think? वो लड़की क्यों सोचती है? Why does she think? उस लड़की को सोचने की आदत क्यों है? हर रोज वो क्यों सोचती है? सही में वो क्यों सोचती है? आप क्लास को क्यों आती हो? Why do you come to class?
वह लड़की क्लास को क्यों आती है? Why does she come to class? आप नहाते क्यों हो? Why do you take bath? आप ब्रश क्यों करती हो? Why do you brush? Why do you brush? मैं आपको क्यों पढ़ाता हूँ? Why do I teach you? राहुल सर क्यों पढ़ाते हैं? Why does Rahul sir teach? राहुल सर अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हैं? Why does Rahul sir teach English? Very simple. Next WH question, which? What do you mean by which? Yes, what do you mean by which? कौन सा कौन से? अगर मुझे आपको पूछना है कौन सा गेम आप खेलती हो, तो आप क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकते हो? Which do? Very good. Sit down. मैंने आपको पढ़ाया है अंग्रेजी में ऐसे WH words है. Which, whose, how many, उनके आगे आपको नाम रखना ही पड़ता है, नाम लेना ही पड़ता है. कौन सा गेम, तो आप क्या कहोगी? Which game. कौन सी किताब? Which book. कौन सा क्लास? Which class. कौन सी सिटी? Which city. कौन सी भाषा? Which language. तो चिपकाना है आपको. तो यहाँ पे मुझे बोलना है कौन सा गेम, कौन सा खेल, तो आपको ऐसे लिखना है. Which game do I play? It means कौन सा गेम मैं खेलता हूँ, कौन सा खेल मैं खेलता हूँ, वर्तमान काल में मुझे कौन सा खेल खेलने की आदत है. Very simple. Which game do we play? Is this a question? Yes, this is a question. Why? WH word है, then after do or does है, यह helping verb है, then after subject है, then after verb का first form है. यह simple present tense का क्वेश्चन है, लेकिन वो कौन सा क्वेश्चन है? वर्बल क्वेश्चन है. कौन सा क्वेश्चन है? वर्बल क्वेश्चन नहीं है, ये वर्बल क्वेश्चन है. और यह कौन सा है? डब्ल्यूएच क्वेश्चन ये. हाँ, क्यों? स्टार्टिंग डब्ल्यूएच वर्ड से हुई है, देन आफ्टर क्या है? हेल्पिंग वर्ब से. विच गेम डू आई प्ले, कौन सा गेम मैं खेलता हूं, अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं. विच गेम डू आई प्ले, कौन सा खेल मैं खेलता हूं. विच गेम डू वी प्ले, हम खेलते हैं. विच गेम डू यू प्ले, कौन सा खेल तू खेलती है, ऐसी मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं. लेकिन विच गेम डज ही प्ले, वो लड़का कौन सा खेल खेलता है. आप कौन सा साबुन यूज करते हो, सोप यूज करते हो, विच सोप डू यू यूज. आप कौन सा मोबाइल यूज करती हो, विच मोबाइल डू यू यूज. वो लड़की कौन सा मोबाइल यूज करती है, विच मोबाइल डज शी यूज. वेरी सिंपल. कौन सी भाषा आप बोलती हो, Which language do you speak? राम कौन सी भाषा बोलता है, Which language does Ram speak? Which means कौन सा, कौन सी, कौन से. Whose means किसका, किसकी, किसके. Whose game, किसका खेल हम खेलते हैं. कुछ questions ऐसे भी फ्रेम होते हैं, प्रैक्टिस करते वक्त वह अच्छे नहीं लगते, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम ले सकते हैं. किसका खेल हम खेलते हैं, किसका खेल वो लड़की खेलती है. तो यह क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, हुज गेम डू आई प्ले, किसका खेल मैं खेलता हूं, किसका खेल मुझे खेलने की आदत है. लेकिन अगर मुझे पूछना है किसका मोबाइल आप यूज करती हो, हुज मोबाइल डू यू यूज, आपको ऐसे नहीं पूछना है हुज डू यू यूज मोबाइल, यह क्वेश्चन नहीं होगा. आपको नाम चिपक के लेना पड़ेगा. किसके क्लास को आप आती हो, Whose class do you come? और कौन से क्लास में आप आती हो, In which class do you come? कौन सी भाषा आप बोलती हो, Which language do you speak? और किसकी भाषा आप बोलती हो, Whose language do you speak? Very simple. कौन सी किताब आप पढ़ती हो, Which book do you read? और किसकी किताब आप पढ़ती हो, Whose book do you read? It's very simple. How means कैसा, कैसी, कैसे. How do I play? मैं कैसा खेलता हूँ. How do we play? हम कैसे खेलते हैं. How do you play? तू कैसे खेलती है. How do you play? तुम कैसे खेलते हो. How do they play? वे कैसे खेलते हैं. How does he play? वो लड़का कैसे खेलता है. How does she play? वो लड़की कैसे खेलती है. How does it play? वो कुत्ता कैसे खेलता है. How does Ram play? राम कैसे खेलता है. How does Shyam play? श्याम कैसे खेलता है. यह कुत्ता कैसे भौंकता है. How does it bark? इस कुत्ते को कैसे भूखने की आदत है, वर्तमान काल में यह कैसा भोगता है, मुझे बताओ. यह कैसे भोगता है, यह कैसे चलता है, यह कैसे भागता है. मैं कैसे पढ़ाता हूं, हाउ डू आई टीच. राहुल सर कैसे पढ़ाते हैं, हाउ डज राहुल सर टीच. ओनली हाउ डज राहुल सर टीच. वेरी सिंपल. हाउ मेनी,
मीन्स कितना. लेकिन अगर मैं बोलता हूँ हाउ मेनी टाइम्स हाउ मेनी गेम्स मैंने आपको बोला है, हूज विच हाउ मेनी, यह ऐसे डब्ल्यू एच वर्ड से उनके आगे आपको नाम लेना ही पड़ता है. हाउ मेनी टाइम्स डू आई प्ले, कितनी बार मैं खेलता हूँ. हाउ मेनी टाइम्स डू वी प्ले, कितनी बार हम खेलते हैं. हाउ मेनी टाइम्स डू यू प्ले, कितनी बार आप खेलते हो. ऐसे क्वेश्चन मैं फ्रेम कर सकता हूँ. आप कितनी बार खाती हो, हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट. आप कितनी बार ब्रश करती हो, हाउ मेनी टाइम्स डू यू ब्रश. आप कितनी बार क्लास में आते हो, हाउ मेनी टाइम्स डू यू कम टू क्लास. कितने बुक्स आप पढ़ते हो, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड. ऐसे क्वेश्चंस मैं फ्रेम कर सकता हूं. इसी प्रकार अगर मुझे बोलना है हाउ फार, कितना दूर, हाउ फार डू आई प्ले फ्रॉम हियर, यहां से मैं कितना दूर तक खेलता हूं, यह मैं आपको पढ़ाने वाला हूं. यह क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं. हाउ फार मीन्स कितना दूर. आप कितना दूर रहती हो, हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम हियर, यहां से आप कितना दूर रहती हो. राम कितना दूर रहता है, हाउ फार डज राम लिव. नेक्स्ट डब्ल्यू एच क्वेश्चन हाउ लॉन्ग, इट मीन्स what do you mean by how long, how long, kitne samay tak, how long do I play, kitne samay tak main khelta hu, kitne deri tak main khelta hu. How long do we play, kitne samay tak hum khelte hai. How far means kitna dur aur how long means kitne samay tak. Very simple. तो यह फॉर्मेट है और यह फॉर्मेट देख के आपको क्या पता चलेगा, मैं क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता हूं और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का डब्ल्यूएच क्वेश्चन है. लेकिन आपको यह सिर्फ समझा, सर यह क्वेश्चन ऐसे ऐसा हम फ्रेम कर सकते हैं. लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको सवाल पूछने नहीं आएंगे. यू मस्ट नो हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस. लेकिन मैं आपको एक वर्ब देता हूं और मैं आपको एक ऐसा सवाल करता हूं, आप मुझे हिंदी में सवाल पूछो. इट मीन्स क्या, अगर आप आपकी मातृभाषा में सीखोगे तो आपको झट से अंग्रेजी में आ सकता है. यहाँ पे मैंने एक प्ले वर्ब दिया है. What means क्या, when means कब, where means कहाँ पे, with whom किसके साथ, why means क्यों, which game कौन सा game, whose game किसका game, how कैसा कैसी कैसे, how many कितनी बार, how far कितना दूर, how long कितने समय तक. और भी WH words है, मैंने आपको books में दिए है, जैसे at what time, ऐसे बहुत सारे WH words है. यहाँ पे जगह नहीं है. लेकिन आपके मन में अभी एक बात आनी चाहिए. देखो सर ये डब्ल्यू एच वर्ड से व्हाट व्हेन व्हाई वेयर हाउ हाउ मेनी हाउ फार हाउ लॉन्ग, इसका यूज हम कैसे करेंगे और इससे हम सवाल कैसे पूछेंगे. उससे पहले आप मुझे आपकी मातृभाषा में मुझे सवाल पूछ सकते हो. तो मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूँ. एक्टिविटी सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है. अगर आपको यह एक्टिविटी आती है तो आप क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो. और वह एक्टिविटी क्या है फ्रेंड्स, इसी प्रकार आपने यह वीडियो देखा और इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बाकी है और आपको सेकंड पार्ट भी देखना है क्योंकि यह वीडियो आगे भी कंटिन्यू है. लेकिन इस वीडियो से हमने क्या सीखा, वर्बल क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं. अगर आपको कोई भी टेंस फॉर्म करना है तो हाँ ना या सवाल से आप फॉर्म कर सकते हो. लेकिन आपको पता होना चाहिए वर्बल क्वेश्चंस क्या है और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस क्या है. और सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन फॉर्म होता है. इसी प्रकार हर कोई टॉपिक के हम डब्ल्यूएच क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं. लेकिन यह पढ़ने का और पढ़ाने का टेक्निक हमारा अलग है. इसी प्रकार नेक्स्ट पार्ट में हम हमारे स्टूडेंट्स को एक ऐसा टेक्निक देने वाले हैं, हमारे स्टूडेंट्स नॉनस्टॉप क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं. इसीलिए आपको आगे का वीडियो देखना ही है क्योंकि यह वीडियो आगे भी कंटिन्यू है. फ्रेंड्स मेरी आपसे विनती है, हमारे टेक्निक्स बच्चों के लिए भी सेम है और बड़ों के लिए भी सेम है. आपको गेस नहीं करना है या कोई अनुमान नहीं लगाना है क्योंकि यह प्रैक्टिस के टेक्निक्स है. सेकंड पार्ट में आप देख सकते हो हम हमारे स्टूडेंट्स को एक ऐसा टेक्निक देने वाले हैं, हमारे स्टूडेंट्स ऐसे कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं और हम ट्रांसलेशन मेथड और स्ट्रक्चर मेथड उनके ऊपर यूज कर रहे हैं फॉर देयर बेटर अंडरस्टैंडिंग. लेकिन कल के दिन हम हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर सिर्फ डायरेक्ट मेथड का यूज करने वाले हैं क्योंकि हम हमारे स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है हम आपको पांचवें दिन के बाद दिखा सकते हैं. आपको हमारा हर कोई शेड्यूल डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज ही देखना है. फ्रेंड्स मैं आपको बार-बार बोलता हूं, अगर आपको हमारा 5 दिन तक का शेड्यूल पसंद आता है तो आप 60 डेज का शेड्यूल अलोंग विद 4 बुक्स परचेस कर सकते हो. इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, पेन ड्राइव वर्जन अलोंग विद 4 बुक्स. अगर आपको हमारा पूरा शेड्यूल सिर्फ मोबाइल में देखना है तो हिंदी इंग्लिश वर्जन के लिए आप यू कैन स्पीक किट एंड ऐप यह प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो. देन
आफ्टर हमारे स्टोर के ऑप्शन में जाके आप हमारा पूरा 60 डेज का शेड्यूल परचेस करें और साथ में 4 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करें। अगर आपको मराठी इंग्लिश वर्जन का शेड्यूल सिर्फ मोबाइल से परचेस करना है तो आप वीटी शिंदे स्पोकन किट एंड क्लासेस यह ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो और हमारा शेड्यूल परचेस करने के बाद हम आपको सिर्फ मराठी और इंग्लिश के 4 बुक्स आपके पते पे भेज सकते हैं। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है, आगे का वीडियो देखना है और उसके बाद हम हमारे स्टूडेंट्स का आपको रिजल्ट भी दिखा सकते हैं। वेलकम टू यू कैन स्पीक किट। यह किट हिंदी इंग्लिश तथा मराठी इंग्लिश वर्जन में उपलब्ध है। इस किट की पूरी इंफॉर्मेशन एंड प्राइस आगे देखिए तथा इस किट की कीमत इस वीडियो के नीचे लिंक पे भी दी हुई है। कृपया यह वीडियो अंत तक देखें। हमारे वीडियो लेक्चर्स के पेन ड्राइव के साथ इस किट में आपको अंग्रेजी की 4 महत्वपूर्ण किताबें मिलेगी। इस किट में पहली किताब है यू कैन स्पीक बुक सेट 1। ये स्पोकन अंग्रेजी की सर्वोत्तम किताब है। इस किताब में स्पोकन इंग्लिश के बहुत सारे टेक्निक्स, फॉर्मूलाज, पिक्चर्स रीडिंग, डायलॉग्स, कन्वर्सेशन टेबल्स, कॉलम मेथड्स, चार्ट्स, जोक्स तथा पूरे टेंसेस, मॉडल्स इत्यादि और भी महत्वपूर्ण सिलेबस आसान भाषा में कवर किया हुआ है। इस किताब की रचना बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली है। इस किताब में 320 पन्ने हैं। इस किट में दूसरी किताब उपलब्ध है द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश सेट 2। इस किताब में आपको घर बैठे प्रयास के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के 450 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर पैटर्न्स दिए हुए हैं। स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस की सहायता से और हमारे टेक्निक के माध्यम से आप घर बैठे 10 मिनट में 500 से भी ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस खुद कर सकते हो। इसी प्रकार 450 से भी ज्यादा स्ट्रक्चरल पैटर्न्स की प्रैक्टिस आप आसानी से करके हर रोज अंग्रेजी बोलने का प्रयास कर सकते हो। और यह टेक्निक सीखने के लिए आपको हमारा वीडियो लेक्चर्स तथा एनिमेशन का शेड्यूल देखना जरूरी है। और हर रोज घर बैठे अंग्रेजी की प्रैक्टिस करने के लिए स्ट्रक्चरल पैटर्न का बुक सिर्फ यू कैन स्पीक किट में ही उपलब्ध है। इस किताब में 116 पन्ने हैं। इस किट में तीसरी किताब है प्रैक्टिकल वर्कबुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर साई ग्रामर सेट 3। यह इंग्लिश ग्रामर का सबसे अच्छा प्रैक्टिकल वर्कबुक है। इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स तथा सॉल्व सेंटेंसेस टेक्निक्स के साथ दिए हुए हैं। इस किताब में इंग्लिश ग्रामर के ए टू जेड टॉपिक्स आसान भाषा में और अलग तंत्र के साथ कवर किए हैं। अंग्रेजी बोलने के लिए, सीखने के लिए तथा कोई भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए यह किताब महत्वपूर्ण है। इस किताब में 148 पन्ने हैं। इस किट में चौथी किताब है द बेस्ट बुक फॉर रीडिंग एंड राइटिंग सेट 4। अंग्रेजी पढ़ने के लिए, कोई भी स्पेलिंग्स बनाने के लिए तथा प्रोनंसिएशन के लिए यह किताब अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस किताब में 124 पन्ने हैं। ध्यान में रखिए, हमारी सब किताबें तथा नोट्स मार्केट में मिलने वाली किताबों से सबसे अलग और प्रभावशाली है। 100% रिजल्ट के लिए 4 किताबों के साथ हमारा वीडियो लेक्चर्स का शेड्यूल देखना जरूरी है। यू कैन स्पीक किट के निर्माण के बाद मार्केट में और भी प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहे हैं तथा भविष्य में और भी होंगे, लेकिन न तो उनके पास हमारे जैसे टेक्निक्स है और 100% रिजल्ट है। तो यू कैन स्पीक किट को ही ऑर्डर क्यों करें? यू कैन स्पीक किट की फाउंडेशन को आज तक कई सारे स्टूडेंट्स तथा टीचर्स को पढ़ाने का दीर्घ अनुभव है। घर बैठे अंग्रेजी सीखने तथा बोलने के 500 से भी ज्यादा सबसे आसान और इफेक्टिव टेक्निक्स सिर्फ यू कैन स्पीक किट में ही उपलब्ध है। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग, डायरेक्ट लाइव क्लासरूम एक्टिविटीज विद स्टूडेंट्स विद 100% रिजल्ट्स, जो आज तक मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट में उपलब्ध नहीं है। सबसे आसान भाषा, प्रॉपर सिक्वेंस तथा 50 डेज इफेक्टिव स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर शेड्यूल्ड। इस किट के निर्माण में कई सारे एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर्स की राय तथा सहायता भी ली गई है। यू कैन स्पीक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र तथा महाराष्ट्र के बाहर कई राज्यों में अनेक पाठशाला में चल रहा है तथा इसका अच्छा रिजल्ट छात्रों तथा अध्यापकों को मिल रहा है। इसके अनेक प्रमाण पत्र हमारे पास उपलब्ध है। यू कैन स्पीक किट यह गुड साउंड एंड वीडियो क्वालिटी विद परफेक्ट नोट्स एंड अफोर्डेबल प्राइस मींस कम कीमत में अब पेन ड्राइव वर्जन में 4 किताबों के साथ उपलब्ध है। किट पढ़ते समय अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे एक्सपर्ट टीचर्स की सहायता भी ले सकते हो। तो इसलिए आप हमारा यू कैन स्पीक किट तुरंत ऑर्डर कर सकते हो। कृपया
यू कैन स्पीक किट की पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से लेके तथा सब डेमो वीडियोस हमारे यूट्यूब फेसबुक पे देखिए ही सीक्वेंस वाइज एंड डे वाइज कंप्लीट कोर्स के लिए आप पेन ड्राइव एंड फोर बुक्स के लिए तुरंत ऑर्डर कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स में आपको पेन ड्राइव एंड फोर बुक्स साथ में ही मिलेंगे। इस किट को ऑर्डर कैसे करें? यह किट पेन ड्राइव वर्जन में चार महत्वपूर्ण किताबों के साथ उपलब्ध है और अगर पेन ड्राइव वर्जन की ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो इसकी कीमत सिर्फ 2150 ओनली रहेगी। तो आप तुरंत आपका पूरा नाम, पता, पोस्टल पिन कोड, मोबाइल नंबर हमें सिर्फ टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप या मेल करें। यू कैन स्पीक किट को पढ़ने का एक और आसान तरीका उपलब्ध है। अगर आप हमारा पूरा कोर्स शेड्यूल शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ आपके मोबाइल में पढ़ना या देखना चाहते हो तो आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके पूरे एक साल तक अच्छी तरह से पढ़ सकते हो और उसे बार बार देख सकते हो। और अगर आपको हमारे ऐप से हिंदी इंग्लिश का शेड्यूल चार किताबों के साथ खरीदना है तो यू कैन स्पीक किट एंड ऐप डाउनलोड करें और मराठी इंग्लिश वर्जन का शेड्यूल चार किताबों के साथ खरीदना है तो वीडी शिंदे स्पोकन किट एंड क्लासेस ऐप डाउनलोड करें। लेकिन हमारा संपूर्ण शेड्यूल आपको परचेस करना होगा और ऐप शेड्यूल की कीमत हमारे पेन ड्राइव वर्जन से कम रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें तुरंत संपर्क करें और अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको हमारे फोर बुक्स उस शेड्यूल के साथ पढ़ना जरूरी है। इसीलिए यह शेड्यूल अगर आप हमारे ऐप से खरीदते हो तो आपको फोर बुक्स उस शेड्यूल के साथ हमारी तरफ से स्पीड पोस्ट या कुरियर के द्वारा भेजे जाएंगे और उसका कोई अतिरिक्त शुल्क या चार्ज आपको नहीं लगेगा। हमारा शेड्यूल परचेस करने के बाद ही हमें संपर्क करें और फोर बुक्स के लिए आपका पूरा नाम, पता हमें व्हाट्सएप, मेल या टेक्स्ट मैसेज करें और पूरे कंफर्मेशन के बाद ही हम आपको यह फोर बुक्स हमारे खर्च से स्पीड पोस्ट तथा कुरियर के द्वारा भेजेंगे। ध्यान में रखिए, हिंदी इंग्लिश के लिए हमारा यू कैन स्पीक किट एंड ऐप डाउनलोड करें और मराठी इंग्लिश वर्जन के लिए वीडी शिंदे स्पोकन किट एंड क्लासेस ऐप डाउनलोड करें। हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आप हमारे ऐप के स्टोर में जाके पूरा वीडियो लेक्चर शेड्यूल खरीद सकते हो। एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में आपको सिर्फ हमारे डेमो वीडियोस मिलेंगे, लेकिन अगर आप स्टोर में जाके हमारे पूरे वीडियोस बाय करते हो तो आपको डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज शेड्यूल मिलेगा। ध्यान में रखिए, हमारे ऐप से कोर्स परचेस करने के लिए स्टोर में जाएं और ऑनलाइन पेमेंट करें। हमारे पेन ड्राइव वर्जन में जो शेड्यूल है वही संपूर्ण शेड्यूल हमारे ऐप में उपलब्ध है और हमारे ऐप में लॉग इन करते समय एज अ स्टूडेंट लॉग इन करें। हमारी किट की प्राइस तथा सब ऑफर्स सिर्फ लिमिटेड पीरियड्स तक ही है, कृपया तुरंत ऑर्डर करें। हमारे ऐप का प्रॉपर यूज और अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। यह किट आपको स्पीड पोस्ट तथा कुरियर के द्वारा भेजी जाएगी। ऑर्डर करने के बाद या आपके कंफर्मेशन के बाद आपका ऑर्डर नंबर टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप किया जाएगा। यह किट आपको ऑर्डर करने के बाद 6 से 8 दिन में मिल जाएगा। अगर आपको किट मिलने से पहले या किट मिलने के बाद एक साल तक किसी भी तरह की समस्या आती है तो हमारा आपको पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि यह एक एजुकेशनल प्रोडक्ट है और आपका समय और शिक्षा हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और यही काम हमारा फाउंडेशन कई सालों से करता आ रहा है। कृपया पूरी जानकारी लेके ही आप हमें कॉल करें या हमें व्हाट्सएप तथा मेल करें। इस किट की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब पे 2 चैनल है। हिंदी वर्जन की इंफॉर्मेशन के लिए आप यू कैन स्पीक इंग्लिश किट सब्सक्राइब करें और मराठी वर्जन के लिए वीटी शिंदेज स्पोकन इंग्लिश किट एंड क्लासेस यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। अगर आपने हिंदी इंग्लिश किट का ऑर्डर किया है तो आपको हिंदी इंग्लिश किट ही मिलेगी और अगर आपने मराठी इंग्लिश वर्जन किट ऑर्डर किया है तो आपको मराठी इंग्लिश वर्जन की किट ही मिलेगी। और यूट्यूब चैनल यू कैन स्पीक इंग्लिश किट और फेसबुक पेज यू कैन स्पीक इंग्लिश किट और वेबसाइट www.youcanspeak.in। फॉर मराठी इंफॉर्मेशन आवर यूट्यूब चैनल वी डी शिंदे स्पोकन इंग्लिश किट एंड क्लासेस और कॉन्टैक्ट नंबर 9822053311 9763261988 7020790165
7020948566. Thanks and wish you all the best.